सीएम शिवराज सिंह चौहान के वायरल वीडियो पर पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वीडियो किसने एडिट किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के वायरल वीडियो पर बोले पूर्व सीएम, जब से बुधनी के आदिवासियों को जिस तरह से ठगा है सीएम शिवराज सिंह चौहान के दलालों ने, जिस तरह से ठगी की है आदिवासियों से, उन पर FIR तक दर्ज नहीं हुई। जब मैंने उनके हक की आवाज उठाई और कहा कि आपके दरवाजे पर आकर धरना देना होगा, उस बात से भाजपा तिलमिलाई हुई है और भाजपा के द्वारा मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वीडियो को एडिट किया किसने, किस प्रकार से राहुल गांधी का वीडियो एडिट किया गया, क्या उसकी भी जांच होगी, क्या उस पर भी कार्यवाही होगी। पहली बात तो ये है, जब से मैंने बुधनी क्षेत्र के आदिवासियों को जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान के निकट दलालों ने ठगा है, 4.5 करोड़ रुपए ठगे हैं, उनके कार्यकाल में उन पर FIR तक दर्ज नहीं हुई है। और जब मैंने ये पत्र लिखकर उनसे कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरी में आकर आपके घर पे धरना देना पड़ेगा, उस बात से तिलमिलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें यह भी जांच होना चाहिए कि आखिर इसको एडिट किया है किसने, सोर्स क्या है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह भक्त, जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी का वीडियो एडिट करके झूठा चलाया और रोज जिस प्रकार के झूठे फेक न्यूज़ डालते हैं उस पर भी